दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए घंटी को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शेफी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप बिना किसी को पता चले उसका आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और आपका मोबाइल चेक करने पर भी वो पता नहीं लगा सकता कि आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फिर आपने यहाँ पर सर्च करना है हिडन कैमरा, और हिडन कैमरा लिखकर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको जो थर्ड नंबर पर हिडन कैमरा विदाउट आइकॉन लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है और फिर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 2 MB का एप्लीकेशन है दोस्तों, 2.91 MB का है, इतना छोटा एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इसे आप अपने मोबाइल में रख सकते हो और आपकी रैम भी फास्ट तरीके से वर्क करेगी। तो इसको इंस्टॉल करना। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इसका आइकॉन इस तरह शो हो जाएगा, ब्लैक रंग का जो कैमरे का आइकॉन होता है। फिर आपने इसको ओपन करना है, इस पर क्लिक करना है और ये इस तरह इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरेशन, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जितने भी मिनट का टाइम सेट कर दोगे उतने ही मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अगर अनलिमिटेड पे क्लिक कर देते हो तो ये अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम सेट कर सकते हो, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर 60 मिनट। तो दोस्तों फिर आपने इस पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिजोल्यूशन की ऑप्शन है फर्स्ट, तो आप इसको हाई क्वालिटी में वैसे तो रहने देता हूँ मैं, आप अपने हिसाब से कोई भी सेट कर सकती हो जिस क्वालिटी की वीडियो आपको चाहिए यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कैमरे के फ्रंट और बैक, आप कैमरा कौन सा यूज़ करना चाहते हो, किस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, फ्रंट कैमरे से या फिर बैक कैमरे से। तो मैं फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है हाइड वीडियो, यहाँ पे आपने इसको ऑन ही रहने देना है, ये ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना है। अगर आपका ऑफ है तो ये गैलरी में वीडियो सेव नहीं होने देगा, वहाँ से वीडियो हाइड कर देगा। जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे तो वहाँ पे वीडियो हमारा सेव नहीं होगा, सिर्फ इसी एप्लीकेशन में वीडियो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे ये शेयर रेटिंग की ऑप्शन है दोस्तों। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है रेड रेड कलर का, स्टार्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। फिर आपने दोस्तों सेटिंग्स के आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हाइड ऐप आइकॉन, और इसके नीचे लिखा हुआ है कॉल #12345 टू ओपन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ हाइड ऐप, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये थोड़ी देर में इसको फ्यू सेकेंड में इसको हाइड कर देगा एप्लीकेशन को। तो अभी यहाँ से ये हाइड हो गया दोस्तों, देखिए अब यहाँ से ये हाइड हो चुका है एप्लीकेशन, अब यहाँ नहीं मिलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर आपने क्या करना है, इसको वापस चेक करने के लिए या वीडियो स्टॉप करने के लिए डायल ओपन करना है डायलर को, और यहाँ पर दोस्तों आपने नंबर डायल करना है #12345 और इसको डायल कर देना है। डायल करने के बाद दोस्तों हमारा हाइड ऐप जो था वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपने वीडियो शूट जितना करना करने के बाद स्टॉप रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अब हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और हम उसको देखेंगे कैसे। यहाँ पे ये जो गैलरी का आइकॉन है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने ये 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे जो यहाँ पे शो हो रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों अगर आप फिर से इस एप्लीकेशन को
वापस लाना चाहते हो अपनी स्क्रीन पे, देखिए अभी ये हमारी स्क्रीन पे नहीं आया एप्लीकेशन, यहाँ पर नहीं है ये, तो अब इसको वापस कैसे लाया जाए एप्लीकेशन को, तो आपको फिर से डायल करना होगा #12345, इसको डायल करना दोस्तों, ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगा। फिर आपने इसको शो करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना शो ऐप आइकॉन, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और ओके पे प्रेस करना है, आर यू वांट टू शो ऐप आइकॉन, तो ओके कर देना है। अब इसका आइकॉन हमारी मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों, अभी यहाँ पे इसका आइकॉन शो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका आइकॉन यहाँ पे शो हो चुका है और यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और इसका एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।